जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी जानकारी सिद्धू मूसेवाला जी का हत्यारा मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को लेकर, साथ ही सचिन बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो है इस वक्त बहुत बड़ा खुलासा किया गया है गोल्डी बरार को लेकर। आखिरकार गोल्डी बरार पकड़ा गया है कि नहीं, बताएंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी का क्या कहना है, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है सचिन बिश्नोई के पकड़े जाने पर और गोल्डी बरार के पकड़े जाने पर, बताएंगे इस वीडियो के अंदर एक एक डिटेल। साथ ही चैनल पर नए हैं दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पे क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर कीजिए बॉलीवुड की दीवानी चैनल को, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। आपको बता दें इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो अपने आप में हैरान कर देने वाली है, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है अभी अभी। आपको बता दें पिछले दिनों से लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत काफी ज्यादा खराब चल रही थी, जिसके चलते उसे फरीदकोट अस्पताल ले जाया गया। अब एक बार जरा गौर करने वाली है दोस्तों, जब दिल्ली की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई को बुलाने का जो है नोटिस जारी किया, उसी वक्त उसकी तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर के द्वारा जो है ये बताया जाता है कि उसे डेंगू, उसका पेट खराब था, उसको डेंगू हो गया था, उसका इलाज जो है अभी चलेगा काफी वक्त तक, जब वो ठीक होगा तब दिल्ली पुलिस के हवाले जो है उसे किया जाएगा, जहां पर इस वक्त सचिन बिश्नोई को रखा गया है, उसका रिमांड चल रहा है, उसे पूछताछ चल रही है सचिन बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, अजरबैजान से उसे ले आया गया है, उसे पूछताछ चल रही है, रिमांड चल रहा है। लेकिन आपको बता दें गोल्डी बरार कब पकड़ा जाएगा या वो पकड़ लिया गया है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें इस वक्त दिल्ली पुलिस ने ये डिसाइड किया है कि अब सचिन और लॉरेंस दोनों को आमने सामने बिठाकर जो है पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सचिन कई सारे सवालों का जवाब जो है नहीं दे रहा है सीधे तरीके से। अब जब लॉरेंस बिश्नोई और सचिन को आमने सामने बिठाया जाएगा, जो कि सचिन ने खुद कबूलनामा किया है कि कई बार कनाडा से जो दुबई से जो है लॉरेंस से जेल के अंदर बातचीत हुई है सिद्धू मूसेवाले जी के हत्याकांड में, और हत्या के बाद भी बात हुई है, ये बात जो है सचिन ने कबूला है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब गोल्डी का पर्दाफाश होगा और गोल्डी भी सचिन बिश्नोई की तरह जो है पुलिस के हाथ में होगा और जेल में बंद होगा। बहुत जल्द गोल्डी बरार भी जो है भारत लाया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन वहीं अगर बात करें सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी का क्या कहना है सचिन बिश्नोई के पकड़े जाने पर, तो अपने लेटेस्ट लाइव वीडियो में जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने अपनी बातें रखी है सचिन के पकड़े जाने पर, उसमें थोड़े से वो मायूस लगे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अब 1.25 साल बीतने को जा रहा है और अब तक जो है गोल्डी फरार है, गोल्डी जो है पकड़ा जाना चाहिए था, जो कि सरकार नहीं पकड़ रही है, अब उन्हें सरकार पर जो है विश्वास भी नहीं है। सचिन के पकड़े जाने के बाद भी के पिता बलकौर सिंह ने साफ तौर पे ये कहा है कि मुझे पंजाब सरकार पर अभी भी विश्वास नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब सरकार जो है गैंगस्टर चलाएंगे, पंजाब जो है गैंगस्टर चलाएंगे, उनके हाथ में होगा। वेल दोस्तों, आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में ये व्यक्त कीजिएगा, क्या लगता है आपको लॉरेंस बिश्नोई ढोंग कर रहा है एक बार फिर से तबियत खराब होने का, कि क्या वाकई उसकी तबियत जो है खराब हो गई है, क्या वो दिल्ली पुलिस से बचना चाहता है, पूछताछ जो आमने सामने कराने वाले हैं वो सचिन और लॉरेंस के आमने सामने मामा भांजे को एक साथ बिठाकर पूछताछ करने वाले हैं, क्या वो उससे बचना चाहता है इसीलिए वो तबियत का बहाना कर रहा है, क्या लगता है आपको, क्या है आपकी राय इसे लेकर, जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा। साथ ही आपको भी लगता है सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी की तरह कि क्या पंजाब सरकार सिद्धू के पिता का साथ नहीं दे रहे हैं, क्या वो सिद्धू मूसेवाला जी को जस्टिस नहीं दिलाना चाहते हैं, जो भी आपकी राय है जरूर कॉमेंट कीजिएगा। साथ ही #justiceforsiddhumoosewala अवश्य लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों।